हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने 5EMA को डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो जाकर देख लेना। तो 5EMA के बेस पे भी हम लोगों ने ट्रेड लिया था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि रूल है, 5EMA से कैंडल दूर हो तो हम लोग उसे अलर्ट कैंडल मानते हैं और एंट्री हमारी उसके लो के ब्रेक होने पे हो जाती है। तो आप लोग देखोगे कि ये अलर्ट कैंडल है, यहां पर ये अलर्ट कैंडल है, ये रेड वाली जो है ये अलर्ट कैंडल है। थोड़ा जूम करके हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखोगे कि ये EMA से दूर है, इसके ब्रेक होने पे ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो हमने ट्रेड लिया, कैसे लिया, क्या लिया, वो हम लोग वो भी देख लेंगे। तो ये लो ब्रेक होने के बाद हमारी ट्रेड इनिशिएट होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड लिया, बट मैं सेटअप के पास था नहीं, तो एंट्री थोड़ी लेट हुई, बट कोई नहीं। जैसा कि 1:2 का लगभग हमारा टारगेट होता है, या 1:2 का टारगेट होता है, या 50 पॉइंट का SL, तो हम लोगों ने उस रूल को, डिसिप्लिन को फॉलो किया। आप ये है, आप लोगों को मैंने ये बताया है कि स्पॉट चार्ट में बस हम लोग साइन को देखेंगे, इंडिकेट जो होगा इंडिकेटर को देखेंगे, स्ट्रेटजी को देखेंगे और उस बेस पे ऑप्शन चार्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आप लोग देखोगे यहां पर ये ब्रेक होने के बाद एंट्री होनी चाहिए थी। एंट्री मैं बता रहा हूं, जैसा मैंने बताया कि हमारी एंट्री थोड़ी लेट हुई, तो उस बेस पे ही हम लोग ट्रेड में देखेंगे कि टारगेट मिला। यानी आप लोग यहां देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम ये 300 के आसपास गया और फिर इसने अपने हाई को भी ब्रेक कर दिया। देखोगे कि 367 के आसपास लगभग ये गया। तो क्या हुआ हमारे ट्रेड में, वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर, तो मैंने जैसा कि चार्ट पे डिस्कस किया चीजों को, तो देखोगे आप हमारी एंट्री 203 रुपए के ऊपर हुई। हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और तो इस तरह से ही, जैसा कि हमारा SL 50 पॉइंट का है, तो हम लोग 1:2 के लिए ट्रेड को लेके चलेंगे टारगेट तक। तो 1:2 जाता है या नहीं, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो आप लोग देखोगे कि ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर है, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। तो इसे आप फॉलो कर सकते हो रूल और डिसिप्लिन के साथ, पोजीशन साइज के साथ। आप देखोगे कि मैंने सिर्फ एक लॉट पे ही काम किया है इसमें, तो एक लॉट पे ही, जो आप बैकटेस्ट देख रहे हो एक लॉट का ही है, ज़्यादा लॉट भी नहीं लिया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, तो इस पे हम लोग और भी काम करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।